ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर संचिता लेखी सिंगी जी जुड़ गई हैं। संचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। तो चलिए संचिता जी से जानते हैं कि आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं और आपके जो आज का दिन है वो कैसा रहने वाला है। शुरुआत मेष वृषभ मिथुन आपसे। मेष, सबसे पहले आपके लिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम मेष राशि के लिए यहाँ पे कार्ड निकाल लेते हैं। तो मेष राशि का आज का जो कार्ड है वो बहुत अच्छा आ रहा है। ये द वर्ल्ड का कार्ड हम इसे बोलते हैं कि दुनिया आज आपकी मुट्ठी में है, कि मतलब आपका लक जो है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है आज के दिन। कि जो भी आप काम करना चाह रहे हैं या कुछ अच्छी शुरुआत करना चाह रहे हैं आज के दिन, तो आपका लक जो है वो आज आपका साथ ज़रूर देगा। आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग जो है बहुत अच्छा रहेगा जी। लक आपका साथ देगा, आपके लिए लाल रंग बहुत अच्छा रहने वाला है। मेष राशि, वृषभ राशि अब आपके लिए जानते हैं जी। तो इनके लिए भी हम यहाँ पे कार्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है ये हमारा मजिशियन का कार्ड आ रहा है, कि जैसे जादूगर होता है और वो जो भी अपनी छड़ी घुमाएं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आता है। तो वैसे आज का जो दिन है, हो सकता है आपने कुछ प्लान्स बना रखे हों, कोई गोल बना रखा हो कि आज के दिन आपको ये काम करना है, पर बोल रहा है जो आज मजिशियन है कुछ अच्छा ही आपके लिए लेकर आएगा। हो सकता है आपके कोई एक काम ना बन के आपके दो कोई दूसरे काम बन जाए, तो बिल्कुल भी निराश ना हो। इसमें बोल रहा है कि जो मजिशियन है कुछ ना कुछ अच्छा ही आज के दिन आपके लिए लेकर आएगा। आपके लिए मैं बोलूंगी येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा जी। येलो कलर आपके लिए अच्छा है। और आगे मिथुन राशि आपके लिए जानते हैं, आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं जी। तो मिथुन राशि के लिए भी यहाँ पे हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो मिथुन राशि का जो कार्ड आ रहा है वो बोल रहा है आज आपकी कोई कहीं भी बात से आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। जैसे हम देख सकते हैं एक आदमी है जिनके हाथ में तीन तलवारें हैं और दो गिर गई हैं और लोग निराश होकर इनसे दूर जा रहे हैं। तो बोल रहा है आज का जो दिन है कई बार हमारी कहीं भी बातों से थोड़ी रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, दूरियां बन सकती हैं। तो बोल रहा है उस पे आज आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी से भी आप ऐसी बात या ऐसा कुछ ना कहें, आज का दिन थोड़ा अवॉइड करें। आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग बहुत अच्छा रहेगा जी। हरा रंग आपके लिए अच्छा है। और साथ ही साथ दूसरे अगर आपको कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। आज लड़ाई झगड़े आपको नहीं करने हैं मिथुन राशि। और अब आगे कर्क संकन्या आपके लिए जानते हैं। कर्क, सबसे पहले आपके लिए जी। जो कर्क राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो आज का जो कार्ड आ रहा है ये हमारा किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ये इमोशंस का कार्ड होता है, कि आज का जो दिन है वो बहुत खास है। कि अगर आप किसी से अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, किसी से कुछ अपनी दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। कि जो जिनसे भी आप कहेंगे वो आपकी बात जरूर सुनेंगे भी और समझेंगे भी। आपके लिए मैं बोलूंगी हल्का नीला रंग जो है बहुत अच्छा रहेगा जी। हल्का नीला रंग आपके लिए अच्छा है। और अगर आप किसी से अपनी दिल की बात कहते हैं तो वो आपकी बात भी समझेंगे। सिंह राशि अब आपके लिए जानते हैं जी। जो सिंह राशि हैं उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है। तो आज का जो दिन है सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत खास दिन है। कि जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है हमारा लक तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, कि कहीं ना कहीं जैसे पूरे बहुत समय से आपकी कोई परेशानियाँ चल रही थी या कुछ दिक्कत आ रही थी, तो अब जो व्हील है जैसे पहिया बोलते हैं, तो पहिया फिर से घूमने वाला है। आपका जो लक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। और बोल रहा है आपके लिए जो है ऑरेंज कलर बहुत अच्छा रहेगा जी। ऑरेंज कलर आपके लिए अच्छा है। और साथ ही साथ आपका जो दिन है वो अब थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, अलग होने वाला है। अब कन्या राशि आपके लिए जानते हैं, आपके लिए क्या खास है जी। जो कन्या राशि हैं उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो जो कन्या राशि का जो ऑफिशियल कार्ड निकला है, इस ऑफिशियल कार्ड का मतलब होता है कि आज ऑफिस में आपका दिन जाने वाला है। आपकी कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है आज के दिन, कि आपके बड़े बड़े जो आपके सीनियर्स हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। एक बहुत अच्छा मौका आपको मिलने वाला है इस मीटिंग में आपके लिए। तो मैं बोलूँगी आपके लिए लाल रंग जो है वो बहुत अच्छा रहेगा जी। लाल रंग आपके लिए अच्छा है, मौका आज आपको मिल सकता है कन्या राशि। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे तुला वृश्चिक धनु आपके लिए जानते हैं। तो तुला, सबसे पहले आपके लिए जी। जो तुला राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो तुला राशि का जो है चैरियट का कार्ड आ रहा है। जो चैरियट होता है इसमें जैसे हमें दो घोड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स में। तो बोल रहा है आज का जो दिन है, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई ज़रूरी काम से बाहर जाना चाहेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उस पर सक्सेस आपका ज़रूर होगा। अगर आप कहीं जाते हैं किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए या किसी और काम से आप जा रहे हैं घर से बाहर,
तो आपकी मीटिंग जो है बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। आपके लिए मैं बोलूँगी नीला रंग जो है बहुत अच्छा रहेगा। जी, नीला रंग आपके लिए अच्छा है, सक्सेसफुल आपकी मीटिंग हो जाएगी अगर आप वो करते हैं। तो तुला राशि, वृश्चिक राशि अब आपके लिए। जी, तो इनके लिए भी जो है हम यहाँ एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो जो कार्ड आ रहा है यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं ये कार्ड है और इतनी सारी तलवारें यहाँ पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डेथ कार्ड होता है कि किसी ना किसी मुसीबत का, किसी ना किसी परेशानी का आज आपका अंत हो रहा है। तो ये बहुत ही खास और बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है कि आज का जो दिन है कि किसी ना किसी चीज़ का, बुराई का, परेशानियों का अंत हो रहा है, और जहाँ अंत होता है वहीं एक अच्छी शुरुआत होती है। तो आज का जो दिन है आपको काला रंग जो है अवॉइड करना चाहिए और सफ़ेद रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो आपकी जो परेशानियां हैं वो थोड़ी आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। जो आपकी बुराई है या जो आसपास नेगेटिविटी है वो आपको ख़त्म होती हुई आज दिखाई देगी। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे की राशि के बारे में जानते हैं आपके लिए क्या खास है। तो धनु राशि से हम शुरुआत करते हैं। तो धनु राशि का हम यहाँ पे कार्ड निकाल लेते हैं धनु राशि के लिए। तो इनका जो कार्ड दिन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, जो कार्ड है वो बहुत अच्छा आया है इनका। वो ना आज का जो दिन है आपका दोस्तों में ज़्यादा टाइम रहेगा कि जिनसे आप बहुत समय से मिले नहीं हैं, बात नहीं हुई है, तो उनके साथ एक अच्छा समय आप बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। जिनसे आप बहुत करीबी हैं उनके साथ एक अच्छा समय, जैसे हम बोल सकते हैं, वो आज आपका दिन जाने वाला है। थोड़ा सा दोस्तों में और मित्रों में आज आपका दिन रहेगा। आपके लिए मैं बोलूँगी गुलाबी रंग, पिंक कलर बहुत अच्छा रहेगा। जी, गुलाबी रंग आपके लिए अच्छा है और आपका जो दिन है वो आज आपके दोस्तों के साथ जाएगा। देखिए धनु राशि, आपके लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आपके आसपास जो हैं आपके दोस्त होंगे। और अब आखिरी तीन राशियां हैं मकर, कुंभ, मीन, उनके लिए जानते हैं। मकर सबसे पहले आपके लिए। हाँ, तो मकर राशि है, उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो मकर राशि का जो कार्ड आ रहा है, जैसे हम देख सकते हैं कॉइन बना हुआ है और सामने से आ रहा है, तो बोल रहा है किसी ना किसी तरीके की अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कि धन की आपको ज़रूरत है, तो किसी ना किसी तरीके की मदद ज़रूर आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप मांगते हैं किसी से, अगर आप पैसे लेना चाह रहे हैं, उधार लेना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा समय है और कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर कर देगा। तो जो धन लाभ का कार्ड आ रहा है कि कहीं ना कहीं मदद जो है वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी। आपके लिए मैं बोलूंगी गोल्डन कलर बहुत अच्छा रहेगा, कि अगर आप गोल्डन कलर की कोई चीज अपने पास रखते हैं, जैसे कोई पेन हो गई या कोई बेल्ट हो गई, तो ऐसी चीजों से हमें फायदा जरूर होगा। जी, तो कोई गोल्डन कलर की चीज आप अपने पास रखिएगा। मकर राशि, आपको जरूर फायदा होगा। और अब कुंभ राशि आपके लिए जानते हैं। जी, जो कुंभ राशि है उनका भी हम एक कार्ड उठा लेते हैं। तो कुंभ राशि का जो दिन है बोल रहा है बहुत ही ज़्यादा बिजी जाने वाला है, कि इनका जो समय है आज आपका बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कब आपका दिन हुआ, कब रात हो गई, कि बहुत सारा काम है, बहुत बिजी और हेक्टिक रहने वाला है आज आपका दिन। पर कोई बात नहीं, जहाँ आप इतने बिजी रहेंगे तो आपके काम भी ज़रूर बनते जाएंगे, तभी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। आज आपको समय का जो है बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मुझे देख रहा है बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, कोई रुकावट नहीं आएगी, पर थोड़ा सा हेक्टिक है, तो अपना हेल्थ का भी थोड़ा साफ ध्यान रखें। आपके लिए भी मैं बोलूंगी नीला रंग बहुत अच्छा रहेगा। जी, हेक्टिक थोड़ा सा आपका दिन है, लेकिन टाइम का आपको ध्यान रखना है और देखिए दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। मीन राशि, अब आखिरी राशि आपके लिए भी जानते हैं। जी, जो मीन राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो मीन राशि जो है बोल रहा है आसपास जो है आज आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गॉसिप जो हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा फैल रही है। आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुनी सुनाई बातों में आप थोड़ा फंस सकते हैं आज के दिन। तो किसी की भी कहीं भी बातों पे विश्वास ना करें, किसी भी कहीं भी बातों को एकदम अंधविश्वास जो हम बोलते हैं वो सब चीज़ें ना करें, और थोड़ा सा इन चीज़ों से आज के दिन आप बच के रहें। आपके लिए मैं भी बोलूँगी काला रंग जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए और सफ़ेद रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्ते। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।